नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ऑडियो बुलेटिन शुक्रवार 8 मई 2020 क्या है ये हम आपको बताते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गैस लीक हादसे में मरने वालों की तादाद 11 पहुंच गई है। केंद्र ने आंध्र प्रदेश को विशाखापट्टनम गैस लीक से उत्पन्न स्थिति से निपटने में हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी से बातचीत की और केंद्र की ओर से हर संभव आवश्यक सहयोग देने का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को उच्च स्तरीय बैठक में स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ भी विचार विमर्श किया। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में कोरोना COVID-19 से निपटने की तैयारियों और इसके प्रकोप को रोकने के उपायों की समीक्षा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्यों को सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर संक्रमण रोकने, बचाव करने और इलाज करने की पूरी प्रक्रिया अपनाना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमित होने से रोका जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 13 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना COVID-19 के संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। जिन राज्यों में मामले सामने नहीं आए हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केरल और उड़ीसा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दमन और दीव, नागालैंड और लक्षद्वीप में अभी तक कोई एक व्यक्ति के संक्रमित नहीं होने की बात सामने आई है। ये वाकई बहुत राहत की बात है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 448 और लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 5,980 हो गई है। यहाँ 1,931 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमित 1,439 लोगों का उपचार हो रहा है, जबकि 1,889 लोगों का उपचार हो चुका है। राज्य में कोरोना के चलते 99 लोगों का निधन भी हुआ है। राजस्थान के 33 जिलों में से 31 जिले कोरोना संक्रमण से प्रभावित हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से बृहस्पतिवार को 92 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 7 राज्यों से 28,427 कामगारों, विद्यार्थियों को लेकर 2 दर्जन विशेष रेलगाड़ियां बृहस्पतिवार बिहार से के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंची। मध्य प्रदेश में उप इंदौर के एक निजी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी उपचार के बाद कोरोना संक्रमण के 4 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमण के उपचार की दिशा में इसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। इसके अलावा गुजरात में बृहस्पतिवार को कोरोना COVID-19 के 388 और मरीजों का पता लगा है। देश में कोरोना COVID-19 के संक्रमित मरीजों की तादाद 57,000 पार कर गई है। इस संक्रमण के चलते 1,899 लोग कलवित भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस के चलते टोटल लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे करीब 14,800 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने का सबसे बड़ा अभियान वंदे मातरम मिशन शनिवार से आरंभ होगा। इस दौरान 13 मई तक 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी। संयुक्त अरब अमीरात से 360 भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया की 2 विशेष उड़ानें बृहस्पतिवार की रात केरल पहुंची। ये इसके अलावा रेलवे ने 1 मई से 200 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां संचालित की हैं, जिनमें
जिनसे लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे लगभग 2 लाख प्रवासियों को उनके घरों पर वापस भेजा जाएगा। प्रत्येक विशेष रेलगाड़ी में 24 डब्बे और प्रत्येक डब्बे में 72 सीट हैं, लेकिन सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए प्रत्येक डिब्बे में प्रत्येक बोगी में केवल 54 लोगों को बिठाया जा रहा है। बीच की बर्थ पर किसी यात्री को न बैठने दिया जा रहा है, न लेटने, न सोने दिया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने 5,231 रेल डिब्बों को कोविड देखभाल केंद्र के रूप में परिवर्तित किया है। ये शुक्रवार 8 मई 2020 का राष्ट्रीय स्तर का बुलेटिन था। हम शनिवार 9 मई को एक बार फिर आपको खबरों से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज हम बताते हैं लिमटी की लालटेन और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को आप किस तरह से सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल को खोलिए, मोबाइल में यूट्यूब आप देखिए, यूट्यूब आपने दबाया। यूट्यूब दबाने के बाद, यूट्यूब के बटन के बाद आप उसमें सर्च बटन पर जाइए। सर्च पे आप लिख लिए LIMTYKHARE लिमटी खरे, आप लिखेंगे लिमटी खरे, इसके बाद आपको ये सब दिखेगा। जैसे ही ये दिखता है आपको, जो चित्र में आपको दिख रहा है, आप देखिए सब्सक्राइब का बटन लाल रंग से दिख रहा है। इस सब्सक्राइब को, लाल वाले सब्सक्राइब को आप प्रेस करिए। आप प्रेस करते हैं तो ये लाल रंग हट जाता है इसका। इसके बाद आप दाएं कॉर्नर पे आइए, वहाँ पर्सनलाइज के बटन को दबाइए, वहाँ नीचे नन और ऊपर ऑल लिखा, आपने ऑल बटन दबाया। अब सारे के सारे वीडियो समाचार एजेंसी इंडिया, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ के आपको मिलने लगेंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस चैनल को अपना बना सकते हैं। हम आपको बताते हैं, लगातार बताते आ रहे हैं कि किस तरह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप देखिए, अब यहाँ आप देखेंगे सब्सक्राइब बटन आपको लाल नहीं दिखेगा। अगर आपके YouTube पर सब्सक्राइब बटन लाल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपने YouTube चैनल समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन